Hello everyone, this is me Nandini Roy. You're watching me on our show Autobiography only on Bollywood Thikana. Well, आज के जो हमारे गेस्ट हैं इस शो पर, ये बहुत ही बड़े कलाकार हैं. 80s और 90s के ज़माने में इन्होंने अपने गुड लुक से हीरोज को भी पीछे छोड़ दिया था. इनकी नशीली आंखें आज भी हमें याद है. उनका डाउनफॉल क्यों लगा, क्यों आया? क्योंकि उनके एटीट्यूड के बारे में सुना है हमने कि वो पंक्चुअल नहीं रहते हैं. वो तो पूरी इंडस्ट्री जानती थी, ये स्वभाव था उनका. वो पता नहीं लेट हो जाता था और फिल्में इतनी कर ली थी उसने, तो एक को टाइम देते हुए शायद नहीं पहुंच पाता था वहाँ. एंड लॉट ऑफ पीपल हैड टू वेट. तो आजकल क्या हो गया था कि एक तो ज्यादा फिल्में कर ली, ओवर कमिट कर लेते थे. हाँ, तो फिर अगर एक प्रोड्यूसर वेट कर रहा है, अगर वहाँ नहीं वक्त पहुंचा, 8 घंटे में अगर 2 घंटे दिए, तो डेफिनेटली फिर लोग बातें करने लगते हैं जी. तो उस हिसाब से, और लोग वो सारा, ये तो पूरी इंडस्ट्री बोलती थी कि उसको साइन करो तो लेट आता है बस. मतलब मजाक में तो अमित जी और वो मुकुल आनंद भी बोलता था कि वो रजनी जी और वो तो पहले, अमित जी से पंक्चुअल तो कोई है ही नहीं. वहाँ आउटडोर में भी ये लेट पहुँचता था थोड़ा. अच्छा. बट इसका था कि ये लेट ही, प्रॉब्ली इज टू स्लीप लेट एंड रीच लेट, बट फिर भी चला है, सुपरस्टार नियरली बन, मेरे हिसाब से. लेकिन आज भी वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग एक्टर इज गोविंदा. इज गोविंदा जो टाइमिंग जो उसका है, बट फॉर अ मैन हुज लाइक दिस टू कम डाउन, कुछ खामियां तो होंगी ना. क्या था वो खामियां जो, मतलब इतना टैलेंटेड होने के बाद भी लोगों ने लेना बंद किया? दैट मस्ट हैव हर्ट पीपल ना. यू मस्ट हैव रब्ड देम द रॉन्ग वे, प्रोड्यूसर्स. और अल्टीमेटली तो वही है ना, जब तक आपका सितारा बुलंद है और आप सही हैं, और अगर आप थोड़ा सा ऐसा तंग करते हैं तो फिर मुश्किल हो जाती है शायद. प्रोड्यूसर्स देन स्टार्ट टेकिंग अदर चॉइसेस. नहीं तो इतना टैलेंटेड आदमी है आज भी, बहुत कम लोग इतने टैलेंटेड होते हैं जी. बट टू लूज दैट स्टेटस, इतनी हिट फिल्में भी दी हैं. कितनी हिट फिल्में दी हैं? बहुत अनगिनत. येट अभी एक्टर्स हुआ लेसर, मतलब इन कंपैरिजन जी आर डूइंग बेटर जी.